हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक ऐसी फैमिली से आपको मिलाऊंगा जिसने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। कई दिनों से ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो टाइम बर्बाद न करते हुए मैं आपको डायरेक्ट उस फैमिली से मिलाने जा रहा हूँ। तो साथियों, ये है वो फैमिली जिसने हमें कई दिनों से बहुत ज़्यादा तकलीफ में डाल रखा था। ये है चूहों की फैमिली, देखिए इसमें तीन तीन चूहे घुसे हुए हैं और इन्होंने काफ़ी नुकसान किया हमारे घर में। इन्होंने नए के नए कपड़े फाड़ दिए और मेरी पैंट थी जींस की, वो इन्होंने पूरी जो है काट दी। रसोई में किचन में जितने भी बर्तन हैं ये रात में खनखनाते हैं तो ऐसा लगता है कि चोर आ गए हैं, और फ्रिज के पीछे घुस जाते हैं। फ्रिज के जो पीछे का वाटर स्टोरेज टैंक होता है उसको भी इन्होंने काट दिया है। तो काफ़ी सारे इन्होंने नुकसान किए हमारे घर में, ये देख सकते हैं। ये देखिए कैसे झांक रहा है, पूरी फैमिली हमने इसमें कैद कर ली है। तो अभी आप बताएं इनका हम क्या करें। तो मैं सोच रहा हूँ इनको कहीं दूर ले जाके छोड़ दें ताकि ये फिर ना आ पाए इधर दोबारा वापस। एक्चुअली ये चूहे जो है ना, ये पीछे प्लॉट से आ रहे हैं, क्योंकि हमारे घर के पीछे खाली प्लॉट है तो उसमें काफ़ी सारे चूहे हैं, तो वहीं से जो है ये आ जाते हैं गेट से होकर। ये देख सकते हैं काफ़ी बड़े हैं, ये देखिए डर लग रहा है इनको देख के, इतने बड़े हैं ये। सोचिए तीन तीन चूहे एक साथ शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, तीन चूहे एक साथ फंसे हुए हैं, देख सकते हैं। तो अभी हम इनको लेके जाने वाले हैं छोड़ने के लिए। चलिए साधना से मिलाता हूँ और पूछता हूँ इन्होंने क्या क्या नुकसान किया किचन में। ये देख सकते हैं, ये देखिए ये डब्बा जो है पूरा काट दिया है चूहों ने। और क्या क्या काटा है साधना? ये किचन के जो कुछ डब्बे हैं ये भी इन्होंने पूरे काट दिए हैं, प्लास्टिक के जितने भी डब्बे थे सब काट दिए हैं, फिलहाल हमने उनको फेंक दिए हैं। और कपड़े भी काट देते हैं ये, और ये ज़्यादातर जो है इसके पीछे छुप जाते हैं, फ्रिज के पीछे, ये टैंक होता है ना वाटर टैंक, इसमें घुसे रहते हैं। तो अभी हम इनको छोड़ने जाने वाले हैं, आप भी हमें सजेस्ट करें कि हम इन्हें कहाँ छोड़ें। ये देख सकते हैं तीनों एक साथ बैठे हुए हैं और इन्हें रात से पकड़ा हुआ है हमने। फ़िलहाल खाने के लिए इनको दे दिया था मैंने पापे का चूरा ताकि बेचारे भूखे ना रहें। अच्छा तो नहीं लगता इनको पकड़ के, बट जब नुकसान करते हैं तो हमें भी ऐसा करना पड़ता है, इनको कैद करके कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है। छोटी छोटी चूहियाँ होती हैं, उनसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती जितनी ज़्यादा इनसे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये कोई भी चीज़ पकड़ते हैं तो पूरा उसको नुकसान ही कर देते हैं। आगे का वीडियो हम बनाएंगे जब इनको लेके जाएंगे छोड़ने के लिए। मारने से अच्छा है कि इनको पिंजरे में बंद करके और छोड़ दें, और अपने घर के पास ना छोड़ें, दूर छोड़ के आए, जैसा कि मैं आपको लेके जा रहा हूँ। मेरे घर से काफ़ी दूरी पे है।
दोबारा नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आप लोग घूम सकते हैं। चलिए जाइए, निकलिए, जाओ। ये देखिए एक एक करके जाते हुए, ये देखिए साथियों, एक इधर भागा, एक उधर भागा, एक उधर भागा, तीनों अपनी अपनी जगह चुन के भाग रहे हैं। फिलहाल हमने चूहे छोड़ दिए, अब हम चलते हैं घर की तरफ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें चैनल को।